हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको काफी अलग और यूनिक जानकारी देखने को मिलेगी। आप सभी को मालूम है कि आपके केंद्र की सहायिका जब आपके पोषक क्षेत्र के घरों में जाती है, बच्चों को बुलाने जाती है, तो कई जगहों पर उनके पेरेंट्स जो है बच्चों को नहीं भेजते हैं, लेकिन ज्यादा करके गरीब तबके के लोग और समझदार लोग केंद्र पर बच्चों को भेजते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि प्री प्राइमरी की शिक्षा और बच्चों को स्कूल में बैठने का जो एक्सपीरियंस है या जो आदत है वो आंगनवाड़ी से ही मिलेगी या लगेगी, इसीलिए भेजते हैं। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश के एक जिले में वहां के डीएम साहिबा ने अपने बच्चे का नामांकन आंगनवाड़ी में कराया हुआ है। सामान्य बच्चों की तरह वो भी जो है आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने उनका बेटा आता है। ये एक काफी बड़ी बात हो गई। देखिए, बच्चा किसी का भी हो, आंगनवाड़ी पढ़ने जरूर आना चाहिए, लेकिन एक जिले का अधिकारी, एक आईएएस अधिकारी होता है और भारत के सबसे कठिन सेवा मानी जाने वाली एग्जाम मानी जाने वाली यूपीएससी का एग्जाम पास करके अधिकारी बनी आईएएस अधिकारी डीएम ने अपने बेटे का नामांकन आंगनवाड़ी में कराया है। इसके बाद वहां के लोगों की जागरूकता बढ़ी है, आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की संख्या ही बढ़ी है और वहां के लोग जागरूक हुए हैं। चलिए पूरी खबर मैं आपको दिखाता हूँ। इस डीएम साहिबा को मेरी तरफ से सैल्यूट है। पिछले अन्य सभी वीडियो से बहुत ही अलग और बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। शुरू में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को देखते ही अपने सभी वर्कर्स के साथ, यहाँ तक कि लाभार्थियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। शीर्षक आप लोग देख लीजिए, लिखा गया है, बेटे को आंगनवाड़ी केंद्र पर पढ़ा रही हाथरस की डीएम। हाथरस उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहाँ के डीएम साहिब अपने बेटे को लेकर आंगनवाड़ी में उन्होंने नामांकन कराया, वहाँ पर वो पढ़ने आता है। देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी का बेटा जो है आंगनवाड़ी में पढ़ने आता है, किसी की बेटी पढ़ने आती है, लेकिन बात बड़ी तब हो गई जब डीएम साहिबा की बात की जा रही है। आईएएस अधिकारी होते हैं, भारत के सबसे कठिन एग्जाम यूपीएससी को पास करके डीएम यानी आईएएस अधिकारी बना जाता है, और ये चाहती तो अपने बच्चे का नामांकन जैसे सामान्यतः अधिकारी करते हैं बड़े बड़े स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में या फिर दून स्कूल वगैरह में एडमिशन करा सकती थी, बोर्डिंग स्कूल में करा सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। आखिर इसके पीछे पूरा मकसद क्या है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अन्य वर्कर्स के साथ और लाभार्थियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की, लिखा गया हाथरस की डीएम अर्चना वर्मा सरकारी ऑफिसर और कर्मचारियों के लिए मिसाल बन चुके हैं। ऐसा इसलिए है कि उन्होंने अपने बेटे का दाखिला किसी बड़े नर्सरी स्कूल की जगह आंगनवाड़ी में कराया है, जबकि आम तौर पर किसी बड़े अधिकारी के बच्चे किसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन डीएम के इस कदम से ने सभी को चौंका दिया है। हाथरस की डीएम अर्चना वर्मा के पास एक बेटी और एक बेटा है। उन्होंने अपने 2.25 साल के बेटे अभिजीत का दाखिला किसी प्ले स्कूल या किसी बड़े इंटरनेशनल स्कूल में नहीं कराया, बल्कि अपने आवास के पास ही दर्शना के आंगनवाड़ी केंद्र में कराया हुआ है। डीएम का बेटा अभिजीत रोज गांव के ही आम बच्चों के साथ कई घंटे बिताता है। उन्हीं बच्चों के साथ कतार में बैठकर आंगनवाड़ी में उसे जो है बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सभी बच्चों के साथ वह खेलता कूदता है। आंगनवाड़ी में सभी बच्चों के साथ एक समान व्यवहार होता है। डीएम के बेटे के दाखिले के बाद वहाँ बच्चों की संख्या बढ़ी है और केंद्र पर अब 34 बच्चे लगातार आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, केंद्र की जो कार्यकर्ती हैं, सेविका है दर्शना, केंद्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ओम प्रकाशी का कहना है कि अभिजीत 3 महीने से रोज पढ़ने के लिए आता तो है, लेकिन कुछ दिन पहले ही पता चला कि वह डीएम साहिब का बेटा है। कभी कभार डीएम साहिब की बेटी भी उसके साथ पढ़ने आती है। यहाँ पर धीरेन्द्र उपाध्याय जो हाथरस जिले के डीपीओ हैं, उनका कहना है कि डीएम ने अपने बेटे को आंगनबाड़ी में पढ़ाने के भेजने के लिए काफ़ी बड़ा संदेश दिया। सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होती है, उनका बेटा अभिजीत भी आम बच्चों की तरह पढ़ता है। अब देखिए 2-3 पॉइंट है जिस जो मेरे अनुभव के आधार पर डीएम साहिबा ने वहाँ पर भेजने के लिए राजी हुआ है हुई हैं। सबसे बड़ी बात कि आंगनवाड़ी में जो है गरीब अमीर और हर एक धर्म समुदाय के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो बचपन से ही बच्चों में समानता की भावना रहेगी, क्योंकि हर तरह के बच्चों से वो मिलेगा, उनके बारे में जानेगा, या फिर वो बाद में चलकर वो कंपैरिजन या ऊंच नीच छोटा बड़ा का भाव नहीं रहता है बचपन में अगर बच्चे सीख जाते हैं। दूसरी बड़ी बात, समाज के लिए एक बड़ा संदेश, अधिकारी के लिए बड़ा संदेश है कि सरकार के नियम के अनुसार प्री प्राइमरी का एजुकेशन जब आंगनवाड़ी में फ्री में मिल रहा है, तो फिर
प्ले स्कूल में नर्सरी स्कूल में एडमिशन कराने से कोई फायदा नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा वहाँ के लोगों में जागरूकता आई और अब केंद्र में भी बच्चे ऐसे खासे आ रहे हैं, क्योंकि अधिकारी का बेटा होने के नाते जो है अब केंद्र भी अच्छे तरीके से चल रहा है, जो पहले चल रहा था उससे बेटर तरीके से चल रहा है और सेविकाओं में भी जो है एक कॉन्फिडेंस है कि मैं भी जो है मेरे केंद्र पर भी जो है एक अधिकारी का बेटा पढ़ने आ रहा है, वो भी डीएम का, जो काफ़ी बड़ी बात होती है। इस तरह से इन्होंने समाज में संदेश देने का काम किया है, जो काफ़ी बड़ी बात है। अगर ऐसा हर जगह हो जाए तो खुद ब खुद सरकारी जो संपत्तियाँ हैं या फिर जो भी चीज़ें उसकी स्थिति सुधर जाएगी। उम्मीद करता हूँ इससे आपको जानकारी मिली और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।